दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी किसी ज्वालामुखी को फटते हुए देखा है? सोचो वो नजारा कैसा होगा जब एक विशालकाय पहाड़ में से अचानक ज्वालामुखी फट जाए और आसमान गैस के विशालकाय बादलों से भर जाए, आकाश से रेत और आग के शोले बरस रहे हों। क्या ऐसे हालात में आप जीवित रह पाएंगे? हमारी धरती पर आज भी ऐसे कुछ बड़े ज्वालामुखी मौजूद हैं जो इतने खतरनाक हैं कि अगर उनमें उद्रेक हो जाए तो ये बड़े बड़े शहरों को तबाह कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई ज्वालामुखियों का उद्रेक हुआ है और इससे हजारों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक ज्वालामुखी उद्रेक। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। टॉप 10 डेडलीएस्ट वॉल्केनिक इरप्शंस। माउंट गलुंगंग, जावा, इंडोनेशिया। वैसे तो इंडोनेशिया में कई ज्वालामुखी मौजूद हैं, लेकिन 1982 में फूटे इस ज्वालामुखी ने भारी तबाही लाई थी। पैसिफिक फायर रिंग पर मौजूद घोड़े के आकार की पर्वत श्रृंखला से घिरा ये ज्वालामुखी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। 1982 में जब इस ज्वालामुखी में उद्रेक हुआ, तब करीब 4000 लोगों की जान चली गई थी। माउंट कैलुट, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित इस ज्वालामुखी में 1919 को उद्रेक हुआ था। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि इस ज्वालामुखी के आसपास मौजूद 100 गांव तबाह हो गए थे और इन गांवों में रहने वाले 5000 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये ज्वालामुखी एक क्रेटर तालाब में फटा, जिस वजह से तालाब में मौजूद 4 करोड़ घन मीटर पानी तालाब से उछलकर सुनामी की तरह गांव के घरों के अंदर घुस गया। इतना ही नहीं, धूल और मिट्टी के बादल करीब 40 किलोमीटर तक फैल गए थे। कल्पना कीजिए कि वह नजारा कैसा रहा होगा। माउंट वेसुवियस, इटली। इटली के इस ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है। दिसंबर 1631 में जो विस्फोट हुआ, ये इस ज्वालामुखी का दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट था। ये सुबह के 6 से 7 बजे के करीब फटा था और 6 लोगों ने नींद में ही दम तोड़ दिया। लाकी ज्वालामुखी प्रणाली, आइसलैंड। 8 जून 1783 से लेकर 8 फरवरी 1784 तक इस ज्वालामुखी के दानवी मुंह से खूनी लावा रस बाहर निकल रहा था। करीब करीब 14 किलोमीटर तक ये लावा रस बहता चला गया, लेकिन लोग इस लावा रस के कारण नहीं मरे, बल्कि इसका कारण जहरीली हवा थी। इस ज्वालामुखी के अंदर से निकली जहरीली गैस ने करीब करीब 9,350 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माउंट वेसुवियस, इटली। इटली के इस ज्वालामुखी उद्रेक को इतिहास का सबसे भयानक विस्फोट माना जाता है। इस ज्वालामुखी से जो लावा निकला, उसने लोगों को नींद में ही पत्थर बना डाला। ये ज्वालामुखी आज से करीब 2000 साल पहले फटा था। इसने इटली के 2 बड़े शहर हेरकुलानियम और पोम्पेड को तबाह कर दिया। इन शहरों में रहने वाले लोग पत्थर के बन गए। आज भी अगर आप यहाँ पर देखने जाएंगे तो आपको पत्थर बने लोगों के शरीर देखने को मिलेंगे। माउंट उन्जेन, जापान। ये आज तक का जापान का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला ज्वालामुखी उद्रेक था। 1792 में जब ये फटा, तब 12 से 15 हजार लोगों की मौत हो गई। मानो हर तरफ जमीन भूखे होने का इशारा कर रही थी। सैकड़ों जगहों पर धरती ने अपना मुंह खोला और हजारों लोगों को अपने अंदर खींच लिया। ऐसा डरावना मौत का मंजर आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। नेवाडो डेल रीज़, कोलंबिया। 13 नवंबर 1985 को एक बेहद ही भयानक दुर्घटना घटी। वहां एक ज्वालामुखी देर रात को फटा और सतर्कता के अभाव के कारण और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से 2300 लोगों की जान चली गई। माउंट क्राकाटोआ, इंडोनेशिया। ये ज्वालामुखी 16 अगस्त 1883 में फटा और उसकी गूंज ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी। पूरा का पूरा पहाड़ बिखर गया और आसमान से पहाड़ के टुकड़ों की बारिश हुई और इसमें करीब करीब 36,000 लोगों की मौत हो गई। पूरा आसमान धुएं से भर गया था और कई दिनों तक लोगों को सूरज नहीं दिखा। माउंट पेली, वेस्ट इंडीज। माउंट पेली का ज्वालामुखी एक बार नहीं बल्कि 25 अप्रैल से 8 मई 1902 तक रोज फटता रहा।
और इन दिनों रोज लाशों के ढेर बिछते चले गए। आसपास के शहरों से कई दिनों तक रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस हादसे में करीब करीब 40,000 लोगों की मौत हो गई। माउंट तंबोरिया, इंडोनेशिया। ये ज्वालामुखी विस्फोट आज तक का सबसे भयानक विस्फोट माना जाता है। 10 अप्रैल 1816 में फटा ये ज्वालामुखी मौत का कहर लेकर बरसा था। इसमें करीब करीब 1,00,000 लोगों की मौत हो गई और आसमान में करीब करीब 1 साल तक घने बादल छाए रहे। उस साल में कोई फसल नहीं उगी। लोग भूख से, प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। सन 1816 को द ईयर विदाउट समर, यानी कि धूप के मौसम बिना वाला वर्ष कहा जाता है। 1 साल तक लोगों को सूरज की रोशनी नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के सबसे भयानक ज्वालामुखी उद्रेक।